आपको सीधे ले चलते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय, जहां पर एक प्रेस वार्ता फिलहाल जारी, जिससे कि आगे की कार्यवाही तय कर सके। आईएमसीटी ने पाया कि प्रशासन एक्सटेंसिव टेस्टिंग कर रही है, जिससे कि कोविड प्लस केसेस की पहचान आरंभिक चरण ही में हो जाए। सूरत नगर निगम का वॉर रूम और एक स्पेशल टीम ऑफ डॉक्टर्स इसी काम में जुटे हुए हैं। आईएमसीटी ने हॉस्पिटल्स, कंटेनमेंट जोन्स, टेस्टिंग फैसिलिटीज इत्यादि का भी दौरा किया। उन्होंने पाया कि अधिकांशतः लॉकडाउन के नियमों का पालन हो रहा है। पुलिस नाकाबंदी और पिकेट्स के अलावा मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे कि ड्रोन्स और सीसीटीवी का भी प्रयोग कर रही है, जिससे कि लॉकडाउन का अनुपालन हो। परंतु कुछ अंदरूनी गलियों में लॉकडाउन का नियमों का उल्लंघन ना हो, इसके लिए उन्होंने प्रशासन को सुझाव दिया कि और सख्त कदम उठाने की जरूरत है। सूरत में प्रवासी श्रमिकों के लिए प्रशासन, एनजीओज और इंडस्ट्रीज ने मिलकर फूड पैकेट्स और राशन किट्स का इंतजाम किया है। यह प्रशंसनीय है कि वितरण के समय सभी सोशल डिस्टेंसिंग के प्रोटोकॉल का बहुत अच्छी तरह अनुपालन करते हैं। आईएमसीटी ने प्रशासन को सुझाव दिया है कि श्रमिकों के साथ कोविड-19 के बारे में जो जानकारी है उसको उन्हीं की भाषा में साझा करें। आईएमसीटी ने प्रशासन के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ, इंडस्ट्री एसोसिएशन के साथ भी विचार विमर्श किया है, खासकर टेक्सटाइल और डायमंड इंडस्ट्रीज जो श्रमिकों का मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। ज्यादातर श्रमिकों को पिछले महीने की तनख्वाह प्राप्त हो चुकी है। आईएमसीटी ने प्रशासन को सुझाव दिया है कि भविष्य में क्या कदम उठाए जाए इसके बारे में भी वो योजना बनाए। जो हमारी आईएमसीटी अहमदाबाद गई है, उसने वहां पे हॉस्पिटल का, केयर सेंटर का, ब्लड डोनेशन कैंप का, शेल्टर होम्स का, प्राइमरी हेल्थ सेंटर इत्यादि का दौरा किया है। उन्होंने जो हाईवेज पर चेक पॉइंट्स लगे हुए हैं और जो क्वारंटाइन क्लस्टर्स के एंट्री पॉइंट्स हैं, उनका भी मुआयना किया। उन्होंने पाया कि क्वारंटाइन क्लस्टर्स के जो एंट्री पॉइंट्स हैं, उसमें पुलिस और मेडिकल टीम्स की ज्वाइंट व्यवस्था है। टीम ने विभिन्न स्टेक होल्डर्स के साथ भी विचार विमर्श किया। सिविल हॉस्पिटल के दौरान विजिट के दौरान उन्होंने पेशेंट्स के रिश्तेदारों के साथ बातचीत की। अस्पताल की सुविधाएं संतोषजनक पाई गई। मरीजों के रिश्तेदारों ने भी उन्हें बताया कि वे सुविधाओं से संतुष्ट हैं। उन्होंने केयर सेंटर का भी दौरा किया और पाया कि वहां पे पर्याप्त क्षमता है और जिन मरीजों में कोविड के लक्षण दिखाई पड़ते हैं, आवश्यकता पड़ने पर डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में पहुंचाने की उनके पास अच्छी व्यवस्था है। अभी तक 19-20 मरीजों को वहां पे शिफ्ट किया गया है। यहां भी सुविधाएं संतोषजनक है। टीम ने पाया कि जो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ने पुलिस और प्रशासन के साथ, इंजीनियरिंग से बनाया गया है और ये काफी लाभदायक सिद्ध हुई है और मेडिकल टीम के लिए भी सुरक्षित है। आईएमसीटी ने सुझाव दिया है कि राज्य सरकार केंद्रीय सरकार की सहायता लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल में एक मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट की स्थापना करे, जहां उपकरणों की कोविड टेस्टिंग के लिए फैसिलिटीज डेवलप की जा सकती है। आईएमसीटी ने पाया कि लॉकडाउन का सख्ती से अनुपालन हो रहा है। पुलिस ने काफी इनोवेटिव सॉल्यूशंस यूज किए हैं, जैसे कि ड्रोन्स और जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन ना हो। उन्होंने काथवाड़ा और नरोड़ा के शेल्टर होम्स का दौरा किया। चूंकि प्रशासन ने करीब ऐसे 33 शेल्टर होम्स बनाए हैं, उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि जितने जो श्रमिक हैं उनको इस तरह 33 शेल्टर होम्स में बांटा जाए, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग अधिकतम हो पाए। यहाँ सारे शेल्टर होम्स में सुविधाएं अच्छी उपलब्ध थी और योगा और अन्य एंटरटेनमेंट की भी सुविधाएं थी। एक अनूठा उन्होंने प्रयोग पाया अहमदाबाद में। जो ग्रामीण एरिया है, वहां हर ग्राम पंचायत में एक ग्राम योद्धा समिति का गठन किया गया है।
ग्राम योद्धा समिति में सरपंच है, विलेज हेडमैन है, हेल्थ वर्कर है, हेडमास्टर है, तलाटी इत्यादि हैं। ये समिति जो है लॉकडाउन का पालन करते हुए गांव में राशन, सब्जी, दवाइयां इत्यादि को डोर स्टेप पे डिलीवर करती है। इसके अलावा वो आवाजाही पे और लॉकडाउन के नियमों के पालन पर भी नजर रखती है। आईएनसीटी का सुझाव है कि इस इनिशिएटिव को बाकी राज्यों द्वारा भी अपनाया जा सकता है। आईएनसीटी ने ये भी पाया कि जो सनंद इंडस्ट्रियल बेस है वहां पे फार्मा इंडस्ट्रीज चालू हैं और अब ऑटोमोबाइल यूनिट्स भी चालू हो गई हैं जो करीब 50% क्षमता पर काम कर रही हैं और 50,000 में से करीब 30,000 मजदूर काम पर वापस आ चुके हैं। आईएमसीटी ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और अपने सारे सुझाव उनके साथ साझा किए। हमारा पूरा विश्वास है कि केंद्र और राज्य सरकारों के संगठित प्रयासों से हम कोविड-19 के विरुद्ध जो हमारा अभियान है उसमें सफल होंगे। धन्यवाद। हेल्थ मिनिस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव प्लीज। पिछले एक दिन में अगर हम देखें तो देश में 1,543 नए केसेज आए हैं, जिससे कि हमारे टोटल कंफर्म केसेज की संख्या अब 29,435 हो चुकी है। और अगर हम देखें कि जो हमारे 21 एक्टिव मेडिकल सुपरविजन में हैं, तो उनकी संख्या 21,632 है। अब तक पिछले 24 घंटे में 684 पेशेंट्स हैव बीन फाउंड क्योर्ड, जिससे कि हमारा टोटल लोग जो क्योर हुए हैं वह संख्या 6,868 हो चुकी है। इससे हमारा रिकवरी रेट करीब 23.3% इस टाइम समय हो गया है, जो कि एक बहुत ही प्रोग्रेसिव इंक्रीज है, मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा। आज देश में 17 ऐसे जिले हैं जहां पर पहले केस आए थे लेकिन पिछले 28 दिनों से कोई नया केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। इन जिलों में एक जिले की बढ़ोतरी हुई है, जैसे कि कल बताया था हमने आपको, और एक जिला ड्रॉप हुआ है, यानी कि दो जिले ऐड हुए हैं और एक जिला ड्रॉप हुआ है। जो जिले ऐड हुए हैं वह है कलिम्पोंग वेस्ट बंगाल में, वायनाड केरला में, और जो जिला जहां पर एक एडिशनल केस आया है वह लखीसराय बिहार में। इसका सीधा तात्पर्य यही है कि हमें कांस्टेंट विजिल मेंटेन रखने की आवश्यकता है। किसी भी जिले में, किसी भी स्टेट में जब हम कार्य करें तो वहां पर किसी भी तरह की रिलैक्सेशन ना हो। आज माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और उनके 18 ऑटोनोमस बॉडीज और साथ में उनसे संबंधित पीएसयूज के डायरेक्टर्स के साथ रिसर्च के बारे में समीक्षा की। उन्होंने मेक इन इंडिया के तहत एंटीबॉडी डिटेक्शन किट्स, रियल टाइम पीसीआर बेस्ड डिटेक्शन किट्स और कोविड-19 के लिए वैक्सीन के डेवलपमेंट को फास्ट ट्रैक करने के लिए कहा। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने आज दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री, कॉरपोरेशन कमिश्नर्स, दिल्ली के सभी जिलों के डीएम्स और डीसीपीज, सेंट्रल और स्टेट के जितने हमारे हॉस्पिटल्स हैं उनके डायरेक्टर्स के साथ भी कोविड सर्विलेंस के करंट स्टेटस का दिल्ली और आसपास के प्रांतों से संबंधित रिव्यू किया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने वेरी माइल्ड या प्री सिम्टोमेटिक पेशेंट्स के लिए होम आइसोलेशन पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिन पेशेंट्स के पास सेल्फ आइसोलेशन के लिए उनके रेजिडेंस पर रिक्विजिट फैसिलिटी है उनके पास इस होम आइसोलेशन के लिए ऑप्शन होगा। ये प्रेजेंट गाइडलाइन जो हमने इशू की है, यह गाइडलाइन 7 अप्रैल को जो हमने इससे पहले सस्पेक्टेड और कंफर्म केसेस को मैनेज करने से संबंधित गाइडलाइन थी उनके एडिशन में है। होम आइसोलेशन की जो गाइडलाइंस हैं इसमें कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, जैसे कि पेशेंट को सेल्फ आइसोलेशन पर एक अंडरटेकिंग को भरना होगा, मेडिकल ऑफिसर द्वारा व्यक्ति को क्लिनिकली या तो वेरी माइल्ड केस या प्री सिम्टोमेटिक केस डायग्नोस करना होगा, उन्हें मोबाइल पर आरोग्य सेतु एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हुए उसको निरंतर उपयोग करना होगा, उनके पास सेल्फ आइसोलेशन के लिए और उनके फैमिली कॉन्टैक्ट्स को प्रॉपर क्वारंटाइन करने के लिए रिक्वायर्ड फैसिलिटी होनी चाहिए, 24/7 बेसिस पर देखभाल करने के लिए उनके पास एक केयर गिवर अवेलेबल होना चाहिए और केयर गिवर और हॉस्पिटल के बीच में एक प्रॉपर कम्युनिकेशन लिंक स्टैब्लिश होना चाहिए। केयर गिवर और उनके जितने भी क्लोज कॉन्टैक्ट हैं उनको हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन प्रोफाइलेक्सिस के रूप में लेना होगा। पेशेंट अपनी हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए एग्री करें और डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस ऑफिसर को अपने हेल्थ स्टेटस के बारे में रेगुलरली इन्फॉर्म करते रहें। उनको तुरंत मेडिकल अटेंशन लेनी चाहिए इन केस कि अगर उनको ब्रीदिंग डिफिकल्टी या चेस्ट में कोई पेन या प्रेशर हो या लिप या फेस पर कोई ब्लूश डिस्कलरेशन डेवलप हो
या कोई ट्रीटिंग मेडिकल ऑफिसर के एडवाइज हो तो वो अपने होम आइसोलेशन से निकलकर रिक्वायर्ड हेल्थ फैसिलिटी में जाएं। होम आइसोलेशन जब तक कि क्लिनिकल सिम्टम रिजॉल्व ना हो जाए या साथ में टेस्टिंग के द्वारा वेब पेशेंट नेगेटिव ना पाया जाए तब तक कंटिन्यू करना होगा। इसके लिए बहुत जरूरी है कि पेशेंट जब अपने घर पर रहें तो पेशेंट हर समय ट्रिपल लेयर मेडिकल मास्क का उपयोग करें, एक आइडेंटिफाइड रूम में ही रहें और घर के अन्य लोगों से दूर रहें, विशेषकर बुजुर्गों से या उन लोगों से जिनको कोई मॉर्बिड कंडीशन है जैसे हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिजीज या रीनल डिजीज एक्सेट्रा। वह घर के अन्य लोगों से कोई अपना पर्सनल आइटम शेयर न करें और जिन सर्फेसेस पर हम ज्यादातर टच करते रहते हैं उनको रेगुलरली क्लीन करते रहें। साथ ही जैसे कि अभी कहा है कि उनको ध्यान रखने के लिए एक केयर गिवर होना चाहिए, वह केयर गिवर भी जब उनकी देखभाल करे तब एक ट्रिपल लेयर मास्क का इस्तेमाल करे। पेशेंट के बॉडी फ्लूइड के साथ उस केयर गिवर का कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ना हो, विशेष रूप से ओरल या रेस्पिरेटरी सिक्रीशन, और पेशेंट को संभालते समय केयर गिवर को डिस्पोजेबल ग्लव्स का उपयोग करना चाहिए। पेशेंट द्वारा उपयोग की गई सर्फेसेज, कपड़े या लिनन की सफाई या हैंडलिंग करते समय भी ट्रिपल लेयर मास्क या डिस्पोजेबल ग्लव्स का उपयोग होना चाहिए। केयर गिवर और जो भी क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं वह भी अपना टेम्परेचर स्क्रीनिंग करते रहें और कोई भी ऐसा इशू आए जिसमें कि उनको कोई सिम्टम दिखते हैं तो उनको हमेशा सर्वेलेंस ऑफिसर की दृष्टि में लाना पड़ेगा। इसके साथ ही आज मैं आप सब लोगों को एक मुख्य विषय के बारे में भी अवगत करना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू मेंशन अबाउट द प्लाज्मा थेरेपी फॉर COVID-19 विच हैज बीन टॉक्ड अबाउट ऑफ लेट। इस पर काफी चर्चा हो रही है। इन दिस रिगार्ड लेट मी क्लैरिफाई दैट ICMR हैज ऑलरेडी स्टेटेड वेरी क्लियरली दैट करंटली देर आर नो अप्रूव थेरेपी फॉर COVID-19 इंक्लूडिंग प्लाज्मा थेरेपी। मैं फिर से आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा कि COVID-19 के लिए आज देश में क्या दुनिया भर में भी कोई अप्रूव थेरेपी नहीं है एंड प्लाज्मा थेरेपी इज वन ऑफ द थेरेपी विच इज बींग एक्सपेरिमेंटेड विद। हाउएवर सो फार देर इज नो एविडेंस टू सपोर्ट इट एज ए ट्रीटमेंट। यह अभी भी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पर है, इसका कोई एविडेंस नहीं है कि इसको ट्रीटमेंट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। USFDA ने भी इसे एक एक्सपेरिमेंटल थेरेपी के रूप में ही देखा है। ICMR ने एक नेशनल स्टडी को लॉन्च किया है ताकि वह इस थेरेपी की एफिकेसी के बारे में स्टडी कर सके। इसलिए इस विषय में यह क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है कि जब तक कि ICMR अपनी स्टडी को कंक्लूड ना कर ले, रोबस्ट साइंटिफिक प्रूफ अवेलेबल ना हो, तब तक इस थेरेपी को केवल हम या तो रिसर्च या ट्रायल पर्पस के लिए ही उपयोग करें। इनफैक्ट जो प्लाज्मा थेरेपी है अगर इसको हम प्रॉपर तरीके से प्रॉपर गाइडलाइंस के तहत इस्तेमाल ना करें तो इससे लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती हैं। जब तक यह थेरेपी प्रॉपरली अप्रूव नहीं है या इसकी इफेक्टिवनेस सिद्ध नहीं हुई है तब तक इसके बारे में किसी भी तरह का दावा किसी भी स्थाई पर करा जाना बिल्कुल अनुचित है। ICMR की स्टडी के बारे में कहीं भी इस प्रकार का प्रयोग पूरी तरह से इलीगल है और दूसरी तरफ पेशेंट की जान को इससे खतरा भी उत्पन्न हो सकता है। इस संबंध में ICMR ने डिटेल गाइडलाइंस पहले से ही जारी भी की हुई हैं। साथ ही मैं आप लोगों की दृष्टि में एक पॉजिटिव न्यूज ये भी लाना चाहूंगा कि अगर हम दुनिया के 20 देश जहां पर कि अब तक मैक्सिमम केसेस WHO के रिकॉर्ड के हिसाब फिलहाल रुक रहे एक छोटे